नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पिता ने दूसरी शादी करने के लिए किया बड़ा कारनामा, जिसे जानकर रह जाएंगे आप हैरान। 22 वर्षीय आरोपी ने अपने बेटे की जान ली दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि जिस महिला से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था उसने शर्त रखी थी कि तभी शादी करेंगे जब वह अपनी पत्नी और बेटे को खत्म कर देगा। खबर विस्तार से। एक शख्स ने दूसरी शादी करने के लिए अपने मासूम बेटे की जान ले ली। इतना ही नहीं, सबूत छुपाने के लिए उसने बच्चे का शव नाले में फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने कुछ समय बाद ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय आरोपी ने अपने बेटे की जान ली दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि जिस महिला से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था उसने शर्त रखी थी कि तभी शादी करेगा जब वह अपनी पत्नी और बेटे को खत्म कर देगा। इसके बाद अपने बच्चे को मारने की योजना बनाई। पुलिस ने बताया कि शाहू नगर थाने के कर्मचारियों को बुधवार तड़के कैमकर चौक के पास माहिम सायन क्रीक लिंक रोड पर बच्चे का शव मिला। शव एक प्लास्टिक की थैली में था। मृतक के सिर और दाहिनी कलाई को चूहों ने काट लिया था। पहले मासूम की पहचान नहीं हो सकी। बाद में जब बच्चे की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने मां पुलिस थाने पहुंची तब पहचान हुई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बच्चे के रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि उसके पिता धारावी छुग्गी में रहते थे, जिसके बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया। आरोपी एक कपड़ा कारखाने में एक दर्जी के रूप में काम करता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने चॉकलेट देने के बहाने अपने बेटे को ले गया और उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसने बच्चे के शव को माहिम क्रीक में फेंक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।